तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, और फॉर्मूला में हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशंस, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। हमने डेट की कैलकुलेशन लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, हम बात करेंगे आज टाइम की कैलकुलेशन में कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो टाइम की कैलकुलेशन में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम लिखते कैसे हैं। तो द टाइम के लिए सिंपल आप सेमीकोलन के साथ टाइम लिख सकते हैं, ये अपने आप आ जाता है। एएमपीएम देना है तो एएमपीएम भी दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अगर 5:20 में डाला, इसके आगे अगर आपने पीएम नहीं लगाएगा तो क्या होगा कि वो 5 मॉर्निंग का ले लेगा, इसलिए एएमपीएम लगाए। अगर कंफ्यूजन है तो आप 24 आवर का चले, जैसे कि मैंने अभी का टाइम लिखना है तो 18:18 हमने डाल दिया यहाँ पे आगे, लेकिन मुझे फॉर्मेट चेंज करनी है तो आप अपने हिसाब से टाइम का फॉर्मेट आगे चेंज कर सकते हैं जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए। इसको सेलेक्ट किया एंड ओके किया, या कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट इसका शॉर्टकट है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि टाइम में से मुझे पर्टिकुलर टाइम को अलग करना है, तो जैसे कि मैं यहां पे आवर अलग करना है, मिनट अलग करना है और सेकेंड अलग करना है। तो आवर में से इक्वल टू आवर हम लिखेंगे, एक आवर अलग कर देगा, मिनट के लिए मैं मिनट लिखूंगा, मिनट अलग कर देगा, और सेकेंड के लिए हमारा सेकेंड का फॉर्मूला है जो कि सेकेंड अलग कर देगा। फिर हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है जिसको जरिए हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी का टाइम मैंने यहां पे डाला, मुझे इस टाइम में अगर 20 मिनट जोड़ना है तो 20 मिनट अगर हम यहां पे 20 एज ए टाइम फॉर्मेट में लिख रखे हैं तो इजीली इसको हम ऐड कर सकते हैं, आपके सामने यहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर हमने टाइम को यहां 20 इन द नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि नंबर फॉर्मेट में अगर आपने लिखा तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ये एक्सेल में क्या है 1 = 24 आवर होता है, 20 × 20 हो जाए। कैसे करें इसको, तो इसके लिए हम इस पे क्या करेंगे प्लस, और यहां हम देंगे फॉर्मूला टाइम का, टाइम, और हमने इसमें दे दिया 0, इसमें 20 एंड कॉमा 0। अब ये ऐड हो, इसका स्थान, इसका जो है आप ध्यान हमेशा रखिएगा। अब मुझे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम का डिफरेंस चाहिए, जैसे सुबह मैं गया था 30 में और शाम को 18 में वापस आया, तो कितने घंटे का डिफरेंस हुआ, तो लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप आज दोपहर के 2 ऑफिस गए और रात के 3 ऑफिस से आए तो यहां पर छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि तो यहां डेट चेंज हो गया, तो आपको डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं है तो दोनों को आपस में सम करो। जैसे आज जो है 20 तारीख को यहाँ पे 14 गया और 21 तारीख को 3:30 में वापस आया, फिर लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम सेलेक्ट कीजिए, रिकॉर्ड यहां आ जाएगा, इस पे अपना टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कर, क्लियर है? हाँ जी, नहीं, ये आपने कैसे अप्लाई कैसे किया सर, बोल रहे ये टाइम फॉर्मेट अप्लाई कैसे किया, इसको लेके फॉर्मेट पेन पे मार दिया है। ओके, ठीक है सर। अब एक सवाल है, तो एक सवाल पे हम चलते हैं।
मान लीजिए किसी का यहाँ पे इन टाइम है, नहीं यहाँ पे मान लीजिए कि रिपोर्टिंग टाइम, और यहाँ हमारे पास इन टाइम, तो सुबह 10:20 सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग है और इसमें 10:20 पे आया, क्लियर है? इसका रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए दोपहर के 3 बजे का है और ये 3 बजे दोपहर के 3:45 पे आया। ऐसे और भी डेट्स हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे स्टेटस लगाना, तो स्टेटस में मुझे R फॉर राइट टाइम देना है और S फॉर हाफ पे देना है। लेकिन क्या है कि अगर आपका लेट 30 मिनट से अगर कम लेट है तो, यहां ध्यान रखिए, 30 मिनट से अगर कम लेट है तो आपका इसका करना है। कैसे होगा? तो हमने यहां पे, चलो आपके सामने टाइम अगर 11 बजे फिक्स है तो चलो ठीक है, 11 से ज्यादा हुआ तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकालते हैं, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, लेटेस्ट टाइम तो ओल्डेस्ट टाइम अभी आ गया। अब प्रॉब्लम है कि इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो बोले इसमें क्या है, हम यहां मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे और मिनट निकल जाएगा। क्या सर? यहां दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 11:20 पे आया तो फिर वो 20 मिनट ही आएगा ना, क्योंकि मिनट जो है आवर के बाद का मिनट अलग करेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस कैलकुलेशन को हम टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और टेक्स्ट फॉर्मूले में हम यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में एम देंगे। बड़ी ब्रैकेट के साथ आ गया 80 मिनट, आ गया सर। अब यहां पे कंडीशन देना है कि इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 30, तो यहां देना है आप दे, अदरवाइज देना है आप, देखिए राइट है, समझ गए? अगर ये 10:20 में होगा तो ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप टाइम में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ज्योति जी कोई डाउट तो नहीं है आपको? किसी ने टाइम को लिख दिया है नंबर में, जिस इस तरह से। अब इसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टाइम वैल्यू का फॉर्मूला है, हम इसने इसको कन्वर्ट करके इस पे कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट कर दीजिए, टाइम का फॉर्मेट आ जाए टाइम वैल्यू। अब कुछ डेट के फॉर्मूले हैं जो कि हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे, चलिए उसके बारे में भी हम कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे आपके सामने ईओ मंथ का फॉर्मूला है, जैसे आज का डेट हमने दिया, मुझे इस महीने की लास्ट डेट चाहिए, तो आप यहां ईओ मंथ लगा सकते हैं कॉमा, जीरो करेंगे तो इसी महीने की लास्ट डेट पता चल जाएगी, वन करते हैं तो अगले महीने की, टू करते हैं तो उसके अगले की अगले महीने की, और माइनस में चलते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने मंथ यहां पे, यहां मैं लगाता हूं सबसे बड़ा, कि मैं यहां पे मंथ सेलेक्ट मंथ लिखता हूं, मंथ में मान लीजिए मैंने यहां पे जैन लिखा, तो मुझे इसका स्टार्ट डेट और इसका एंड डेट आना चाहिए। या फिर मैं चाहता हूं कि यहां पे नाउ टुडे का कॉमा लगा हुआ, करेंट डेट आज का डेट है, मुझे इस महीने की स्टार्ट डेट और एंड डेट पता होना चाहिए। तो मैं एंड डेट के लिए तो ईओ मंथ लगाऊंगा, इसको कॉमा जीरो कर दिया, इस डेट इस मंथ के लास्ट डेट आ गया। अब फर्स्ट डे कैसे आएगा?
तो उसके लिए भी हम ईओ मंथ लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा माइनस वन, बट माइनस वन में तो पिछले महीने का लास्ट डेट आएगा ना, जैसे कि जून का लास्ट डेट आएगा, तो जून के लास्ट डेट में अगर प्लस वन कर देंगे इस महीने का फर्स्ट डेट आएगा, समझ गए? हाँ जी हाँ जी। इसका इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ईओ मंथ से। ईओ मंथ के बाद अब मान लीजिए कि हमने कोई डेट डाला हुआ, जैसे जुलाई का ही हमने डेट डाला, मुझे इसमें संडे मंडे ट्यूजडे चाहिए, तो अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तीन बार डीडी कर दीजिए, आपका संडे मंडे जो भी आ जाएगा, शॉर्ट में चार बार करेंगे तो कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए मुझे नंबर में चाहिए, मतलब कि मंडे इट मींस वन, ट्यूजडे इट मींस टू, इस तरह से चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वीक डे का। वीक डे हमने इसको सिलेक्ट किया। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का जो जैसे गल्फ में देखे तो संडे से उसका वीक स्टार्ट होता है, क्या हमारा मंडे से होता है, तो यहां पे हमने टू को सिलेक्ट किया, मंडे से स्टार्ट है, आ गया, ये चीज आपका देख सकते हैं। दूसरा है साल का कौन सा वीक चल रहा है ये पता करना है, तो वीक नाम फॉर्मूला होता है उसको ले लीजिए, साल का वीक बता देता है। एक आईएसओ वीक है, आईएसओ वीक नाम, तो सेम चीज वो भी करता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं। एक लास्ट फॉर्मूला आपका आता है ईयर फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए मैंने इस साल 1 जनवरी को एक काम स्टार्ट किया और आज मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा ईयरली फीस मान लीजिए कि 5 लाख है, तो मैं कितना बिल करूं, कितना पैसा लगा, तो उसके लिए आप यहां ईयर फ्रीक्वेंसी को ले लीजिए, स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहां पर एंटर मारेंगे तो आपको बता देगा कि 55% आपका ईयर यूज हुआ है। ऐसे निकालना है, ए लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट ले रहा है और उसको डिवाइड कर रहा है 365, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्लस वन करना होता है क्योंकि डिफरेंस में से एक कम आता है। Okay? तो ईयर वैकेंसी का इस्तेमाल हम इस तरह से करें। तो डेट के सारे कैलकुलेशन समझ में आ गए आपको, डेट एंड टाइम के कोई दिक्कत तो नहीं है? पर आपने एक जो हमें प्रोजेक्ट दिया था कि अगर हम साल चेंज करते हैं तो पूरा मंथ चेंज हो जाएगा अपने आप, साल चेंज करते हैं तो जैसे ईयर का हम अगर 2018 को 19 करते हैं तो उन्नीस में जितने मंथ आएंगे, सैटरडे संडे कब आएगा, वो फरवरी का 28वां महीना है, 29वां है, वो लीप ईयर्स, वो सब अपने आप अरेंज हो जाएगा, वो एक बार बता देंगे। आपने कहा था कि जब डेट टाइम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे 2000 ईयर डालूं? हमने सिर्फ ईयर चेंज किया, पूरी फॉर्मेट चेंज हो गई। किस तरह की फॉर्मेट, डेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मंथ है ना, पूरा मंथ अगर हमारा है जैन टू दिसंबर, और उसमें किस मंथ को कौन कौन डेट है, वो सिर्फ हम ईयर अगर चेंज करेंगे और लास्ट में ईयर डालेंगे या फर्स्ट, वो तो कैलेंडर आपको बनाना पड़ेगा ना, कैलेंडर की बात कर रहे हैं ना, जो कैलेंडर होता है। हमने वो प्रोजेक्ट दिया था, हमने हम बना नहीं पाए थे, फिर कहा था अपने कि हम बताएंगे जब बनाएंगे। अच्छा, वो ऑटोमेटेड फॉर्मेट की बात कर रहे थे, तो हमने मंथ था, ईयर तो नहीं दिया था उसमें, हमने मंथ था। हाँ, आपने कहा था मंथ ईयर जो भी हो हम चेंज करें तो अपने आप, जैसे कि यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि अटेंडेंस फॉर्मेट में नेम ले लिया और हमने यहाँ पे मान लीजिए कि एक ईयर है हमारा, है यहाँ पे हम डेट का फॉर्मूला लेंगे, डेट में हमने वन किया, मंथ भी हम यहाँ पे ईयर हमारा ये ले लिया 2019, मंथ हम यहाँ ले लेते हैं और डे हम यहाँ वन कर देते हैं,
और मंथ में मान लीजिए कि पहला महीना जनवरी तो आ गया, राइट। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ जिससे सैटरडे संडे आ जाएगा। अब मैं इसमें प्लस वन करता हूँ और आगे तक लेके जाता हूँ। एक मिनट में फरवरी तक है, 31 जनवरी तक ही रखता हूँ मैं। ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम अगर 2020 करते हैं, 2020 के अकॉर्डिंग टू डेट चेंज हो जा रहा है, डे भी चेंज हो जा रहा है। अब मैं यहाँ पे फरवरी करता हूँ तो फरवरी में क्या है, यहाँ पे देखिए 1 मार्च आ जाता है, 29 फरवरी तक है। तो मैं यहाँ 2019 करता हूँ तो 2019 में देखिए, तो मैं चाहता हूँ ये भी हट जाए। तो इसीलिए क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए जो है हम सिंपल कंडीशन देंगे कि इफ ईओ मंथ, ईओ मंथ इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा जीरो कर देता हूं, अगर वो ग्रेटर देन है, नहीं लेस देन है इस डेट से तो ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज इस डेट में ठीक है, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। बट इसमें एरर आने के चांसेस हैं, तो यहां एरर इफ एरर दे दीजिए, यहां ब्लैंक। ठीक है, आप देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, हो गया ना। अब मैं यहाँ पे 2020 करता हूँ, आगे 29 तक पहला महीना करता हूँ तो आ गया आपका 31 तारीख तक। इसका फॉर्मूला कहाँ है सर, इसका फॉर्मूला? बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, हम बस 29 तारीख से फॉर्मूला लगा दिए। 29 तारीख में हमने सिंपल सा फॉर्मूला बोला कि किसी भी एक डेट ले लिया, उस डेट का लास्ट डेट हम इसमें प्लस वन करने पे वो बड़ा हो रहा है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज प्लस वन कर, सिंपल सा। ओके, हम सिर्फ मंथ या फिर इयर्स चेंज करेंगे, ये ऑटो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको इससे लिंक किया हुआ, बाकी सब एक दूसरे से चैन है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में मिलते हैं आपके साथ। ओके, बाय। कल हम बात करेंगे रेफरेंस फॉर्मूले।